गुलाम अली, कामरान ते गुलाम अली ते उमर, तीन तीन एक ता तीना ते आ ए ए केड़ा परचा सोने वाला ते नी हैं सोने वाला ते नी एक मिनट ना प्लेट वाला ते नी का एक मिनट अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि मेरी वेकेशन हो गई है ख़त्म, ठीक है, दोबारा से ऑन ड्यूटी ऑन वर्क, वही वाले स्टेटस जो लोग लगाते होते हैं जब छुट्टियां होती हैं। हमारा सैटरडे संडे हो गया ख़त्म, अब दिन है मंडे का। वैसे आज मंडे नहीं है, आज वैसे थर्सडे है, लेकिन वेकेशन मेरी ख़त्म हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि मैं करता क्या हूँ उसकी छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ, तो हमें वकला बरादरी को जो अगस्त का मंथ होता है उसमें छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, एक मंथ की छुट्टी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। छुट्टियाँ होती हैं उसमें हमने जो अपने रोज़गार के लिए जहाँ से भी इकट्ठा करना है वो हम एक महीने से वो तमाम मौके ढूंढते हैं। मैंने भी कुछ इसी तरह किया क्योंकि अभी मेरा प्रैक्टिसिंग ईयर चल रहे हैं, ठीक है, इस ये महीना मुझे फ्री था, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ इधर उधर जहाँ भी जिन्होंने कहते हैं जिते हाथ पला पा ना पा लिया, वो पाकिस्तानियों की आदत है कि एक चीज़ तो टेक के नहीं रहते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। असं कहें कि अज ये नहीं होती तो कल ये करिए, खलोना नहीं कि खलोना नहीं तो, लेकिन खैर चीज़ अलग है। तो बात कुछ ये है कि आज हमने जाना है जी कोर्ट, तो छुट्टियाँ हो गई ख़त्म, दोबारा से वापस अपने काम की तरफ, क्लाइंटों में जाके मोछे बांधे हैं, अब आपसे तैयार होकर मुलाकात होती है। ये है जी हमारा बैग। वैसे इसके अंदर तमाम मामलाते ज़िंदगी हमने डालो में, तो थोड़ा सा डस्टी है, डस्टी सॉरी, लेकिन काम आता है, ठीक है ना। तो जो पंजाबी जगह ना कोई औखे वे जी शायद काम है वो इज्जत करी दी होंगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये जी हमारे हैं कोर्ट के इक्विपमेंट्स, ये मेरी वॉच, ये पेंसिल बहुत ज़रूरी है, इसी से आपने सारी कमाई करनी है, तो इसके बगैर कुछ नहीं। ये मास्क है डस्क के लिए और ये बटुआ जिसके लिए सारी कमाई करनी है। सो फाइनली हम हो गए हैं तैयार, तो टाई शाई कोई नहीं आज लगाई, गर्मी बढ़ी है बाहर अगे, ठीक है, तो एक सिंपल यूनिफॉर्म में जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सफ़र की तरह, लो सफ़र शुरू हो गया। अच्छा जी, तो ये सारा दफ्तर है, ये पट्टा जिसके बारे मशहूर है कि पट्टा तो कुर्सी दरख्त ना बनया होता, लेकिन इस तरह की कोई गल नहीं हैगी। जी बुकला बरादरी है, मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया प्रैक्टिस करते, हले तक मैं कोई इस तरह का वकील नहीं देखा जिन्हें चैम्बर तो बाहर अपना ऑफिस खोलिया हो अपना डेस्क रखा हो चेयर रखी हो। आज ही अपना बैग है और लाइट है, वो असं 2-3 होर भी काम करी देने। ये साढ़े क्लर्क साहब ने अलग, ये मेरे सीनियर मोहतरम एडवोकेट साहब, तो ये सुबह का साढ़ा डेली बेस का प्रोग्राम है, चाय 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 तो बगैर कुछ नहीं, जूस भी कहा जाता है। तो हाँ जी उबला जूस भी कचहरी से कहा जाता वा, तो जे कोई चंकी मिल जाए उसको बंदा गनीमत ही समझता। तो कचहरी आने बाद जी सा पहली रूटीन होंगी है कि असी अपनी डायरी चैक करनी होंगी है, तो ये जी डायरी है डेली बेस की पंजाब बार कौंसल की तरफों, तो असी डायरी जिस तरह देख सकते हो केस वगैरह लिखे ने, तो हिसाब न असी मैनेज करी दा कि अज इस केस पेश होना तो इस केस, लेकिन इन तमाम चीज़ों तो पहले जी चीज़ करी दी वो हैगी चाय।
अच्छा जी, तो हूँ असं अदालतों आए तकरीबन कोई घंटा डेढ़ घंटे का जरा सा लग गया, तो सिर्फ डेट्स पता करते हैं। तो जे सनी देओल ने कहा से ना तरीक तो तरीक तरीक तो तरीक तरीक तो तरीक, वो भाई तरीक लैना इन्ना सौखा काम नहीं गा। ये किसी वकील को जाकर पूछो कि तरीक जज साहब देंदे केंद्र ने। तो खैर तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा चल गया, हूँ लत्तां ने जवाब देता तो जुत्तियां घस गई। वो कल कोई एडा सौखा शोभा नहीं, तो क्लाइंट आकर सानू कह देना कि सर तुम्हें किया की है, तुरे साढ़े नाल कभी अदालत तो उन्होंने पता लगे कि किया है। खैर हूँ असं जरा अपने होर दिगर काम देख लीए। ਕਾਮਰਾਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੈਰ ਤਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਨਾ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਘਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਏਂਗੇ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਾਈਡੀ ਐਂਡ ਹੌਟ ਡੇ, ਤੋ बहुत ही अच्छा थकावट हो गया क्योंकि फ़र्स्ट डे था वेकेशंस के बाद, तो बाकी जो पिछले मंथ के जो डेट्स वगैरह थे वो सारी पता करनी थी। ड्यूटी जजेस के पास केस लगे होते हैं तो उस हिसाब से थोड़ी सी आज मसरूफियत ज़्यादा थी। तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, तो अपना अपने पैरों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह।